अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया सैफ, कंसल्टेंट इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम स्माइल बाय अल खलीज क्लिनिक्स। और आज हम आपसे बात करने आए हैं एक नॉर्मल डेंचर और इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर में क्या डिफरेंस होता है और क्या फायदे होते हैं। बाज़ औकात पेशेंट्स जो हैं हमारे पास, वो इम्प्लांट लगाने की ख्वाहिश से आते हैं, लेकिन मुंह में इतना ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है या बोन बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है, डिटोरिएट हो गई होती है। तो ऐसे केसेस में जो लाइफ सेवर्स होते हैं वो होते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स, कि हम इम्प्लांट के नीचे उसको सपोर्ट देने के लिए पिलर्स लगाते हैं इम्प्लांट्स की फॉर्म में, और वो इम्प्लांट्स जो है एज अ पिलर काम करते हैं डेंचर को सपोर्ट करने के लिए। उसमें जनरली हम क्या करते हैं कि ये मिनिमम 2 इम्प्लांट से मैक्सिमम 4 इम्प्लांट्स के ऊपर पिलर्स लगाते हैं, जो कि हम मुंह के एंटीरियर जोन में लगाते हैं। बहुत छोटे छोटे से माइनर से 3.5-3 मिलीमीटर के छोटे छोटे से इम्प्लांट स्क्रूज होते हैं, जो कि हम हड्डी के अंदर प्लेस करते हैं। और पेशेंट के मुंह में जो उनका डेंचर, जो कि हमेशा मोबाइल दांत होते थे, अब वो फिक्स हो जाते हैं जब पेशेंट चाहता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ, उसका खाना पीना और उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, बेहतरी आती है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं और अपनी लाइफ में दोबारा जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, और इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या क्वेरी या उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं।